बीजेपी का उम्मीदवार चुना गया है। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी बनी रहेंगी, उन्हें टिकट दिया गया है। बरेली सीट से छत्रपाल सिंह गंगवार जो वो कैंडिडेट होंगे और कानपुर सीट से रमेश अवस्थी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। कुछ बदलाव देखने को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश के देखिए इन 13 लोकसभा सीटों पर नाम का ऐलान फिलहाल पांचवी लिस्ट में कर दिया गया है। कल देर रात तक बीजेपी सीईसी की बैठक चली थी और उसमें ये तमाम मंथन किया गया था कि किसका पत्ता कटना है और किसको उम्मीदवार बनाना है। और इस दौरान पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह का नाम, बिहार की बात कर रहे हैं हम, बक्सर सीट से मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है और बेगूसराय से गिरिराज सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बक्सर से मिथिलेश तिवारी और बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, आरा से आरके सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं और सारण से राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल को लेकर कुछ बड़े आज जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं और इसमें एक बड़ा बदलाव यही देखने को मिल रहा है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का पत्ता कटा है। मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह को टिकट दिया जा रहा है और हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए उनसे हम बातचीत करेंगे। अमित, काफी मंथन देर रात तक कल बीजेपी आलाकमान का हुआ चुनाव समिति की बैठक में और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी का पत्ता कट सकता है हुआ भी कुछ वही। अरुण गोविल और कंगना रनौत को लेकर भी अटकलें थी, यानी कि अनुमानित जो चेहरे थे उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। ये देखिए, टाइम्स और भारत ने जो कुछ नामों का पहले ही बताया था कि इन लोगों को टिकट मिल सकता है, उस पर एक तरह से मुहर लगी है। कल देर रात को लंबी बैठक चली है। इसके अलावा आज सुबह भी प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बैठकों का दौर जारी था और इसके बाद जाकर नाम तय हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की अगर देखिए तो कई ऐसे नाम हैं जो कटे हैं, उसमें वरुण गांधी का एक बड़ा नाम है। वरुण गांधी के अलावा अगर आप बात करिए तो बिहार से अश्वनी चौबे, छेदी पासवान, अजय निषाद का नाम है। झारखंड से चतरा से सुनील सिंह का नाम है। दुमका से सुनील सोरेन का नाम है। धनबाद से पीएन सिंह का नाम है। तो गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का नाम जो नाम है वो पत्ता कट चुका है। तो ये लिस्ट जो अगर आप देखिए तो लगभग वही नाम है। और मंडी से उनका नाम आना, कंगना रनौत का नाम आना, पिछले कई दिनों से उनके जो बयान थे वो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के पक्ष में लगातार उनके बयान आ रहे थे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले नवीन जिंदल पार्टी ज्वाइन किए कुरुक्षेत्र से, उनको टिकट दिया गया है। करीब 111 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है और बिहार में अगर आप देखिए तो ज्यादातर सीटों पर रिपीट किया गया है। जो चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कीजिए, गिरिराज सिंह की बात कीजिए, संजय जायसवाल की बात कीजिए, तो ये पांचवी लिस्ट है। और पांचवी लिस्ट पे अगर सबसे बड़ा अगर नाम आप बात करेंगे, सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम है या सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर कंगना रनौत का नाम यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा बिहार से विवेक ठाकुर जो कि राज्यसभा के सांसद है, उनको मौका दिया गया है। ये एक बड़ा नाम के तौर पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आपसे आगे भी बातचीत करूंगी मैं, अमित जी बने रहिएगा। और रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, जैसा कि उम्मीदें जताई जा रही थी और जैसा अमित जी ने भी बताया कि जो जो नामों का हमने अनुमान लगाया था लगभग उन्हीं सभी नामों पर मुहर लगी है, लेकिन आपकी तरफ से क्योंकि आप इस लिस्ट को गौर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अंदर खाने से जो तमाम खबरें आपके पास आती हैं, क्या बड़े संकेत इन बदलावों के जरिए बीजेपी ने दिया है? रविकांत, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, शायद आवाज आपकी म्यूट है, कोशिश करेंगे एक बार फिर मैं आपसे बात करूं। लेकिन वो लिस्ट लगातार बीजेपी की पांचवी लिस्ट जो उम्मीदवारों की है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, कोई टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से हमारे सहयोगी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम जानकारी लेंगे, रविकांत से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक बड़ा हैरान कर देने वाला नाम कंगना रनौत का भी है। कंगना रनौत पिछले काफी टाइम से नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया करती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने अपना एक जो लगाव भी जाहिर किया है कई बार, और उसका ये नतीजा भी है कि न सिर्फ टिकट मिला है बल्कि मंडी से चुनाव लड़ेंगी एक्ट्रेस कंगना रनौत।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार के भी कई सीटों पर बड़े लोगों की उम्मीदवारी जो है वो बीजेपी ने आज दिखाई है।